ओम शांति। आप सबको स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सी द सुंदर ट्रुथ लाइज विद इन में। और आज का 25वें दिन का ईश्वरीय वरदान, जहाँ परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम विवेकशील बन जाएं। और विवेक मतलब क्या होता है? सही समय देख करके और सही एटमॉस्फेयर देख करके, माना कि वायुमंडल देख करके क्या करना है, क्या सोचना है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, इन्वॉल्व होना है, नहीं इन्वॉल्व होना है, वो सब चीज़ों के बारे में समझ करके हम मोल्ड करें अपने आप को, चेंज करें, परिवर्तन करें, और उस कारण से सबके चहेते बन जाएं, मतलब कि सब हमें प्यार करें उस कारण से, क्योंकि हमारे अंदर मोल्डिंग पावर है। हम ज़बरदस्ती या हम बिल्कुल अहंकार में आकर के, या यही तरीका होगा माई वे द हाईवे ना करें। तो देखें बाबा कहते क्या हैं आज के वरदान में। बाबा कहते हैं वरदान में, समय और वायुमंडल को परख कर स्वयं को परिवर्तन करने वाले सर्व के स्नेही भवा। तो सर्व का स्नेही बनना है, चाहे आप जॉब में हो, बॉस का भी स्नेही, जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनका भी स्नेही, जो आपके नीचे काम करने वाले उनका भी स्नेही बनना चाहते हो, तो ये जो विद्या है वो आपको बहुत मदद करेगी। तो परमात्मा कहते हैं यहाँ पर विस्तार में, जिसमें परिवर्तन शक्ति है वो सबका प्यारा बनता है। कि समय देख करके, सिचुएशन देख करके अपने आप को परिवर्तन कर लिया, वह विचारों में भी सहज होगा। उसके विचार भी क्या होंगे? हल्के होंगे, ज़बरदस्ती वाले नहीं होंगे उसके विचार, और को तंग करने वाले नहीं होंगे, भारीपन लाने वाले इस विचार नहीं होंगे। उसमें मोल्ड होने की शक्ति होगी, वो फटाफट अपनी मिस्टेक को पहचानेगा और वहीं पे अपने आप को मोल्ड कर देगा। उसको नम्रता इस्तेमाल करनी तो नम्रता इस्तेमाल करेगा, उसको अगर अंदर से महसूसता हुई है कि उसने गलती करी है तो वो अपने आप को फटाफट सही दिशा में रख देगा, ताकि वो माहौल को, वातावरण को, वायुमंडल को फिर से जो था जैसे था वैसे बना दे, नॉर्मल कर दे फिर से। तो उसको कहते हैं मोल्डिंग पावर। उसमें मोल्ड होने की शक्ति होगी, वह कभी ऐसे नहीं करेगा कि मेरा विचार, मेरा प्लान, मेरी सेवा इतनी अच्छे होते हुए भी मेरा क्यों नहीं माना गया। आप किसी बिजनेस में काम करते हैं, आप किसी बॉस के अंडर काम करते हैं किसी कंपनी में, आपने हमेशा अच्छे से परफॉर्म किया, आपने हमेशा देखा कि आपके बॉस बड़े खुश थे आपके साथ में, लेकिन इस बारी आपके बॉस ने किसी और को वो टास्क दे दिया और आपने कहा कि मेरा प्लान था, मेरी सोच थी, मेरे आइडिया थे, मेरे को क्यों नहीं दिया गया। वो अहंकार ही नहीं होंगे। तो आप जब अहंकार को छोड़ करके आप नम्र बन जाते हैं और आप मोल्ड हो जाते हैं तो आप सबके प्यारे बन जाते हैं, नहीं तो आप दुश्मन ज़्यादा क्रिएट कर देते हैं। और अगर बॉस है तो बॉस के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, एटमॉस्फेयर खराब करके, माहौल खराब करके ऑफिस का। तो बॉस जो आपको पहले से पसंद करता था वो आपको पसंद ना पसंद करना शुरू कर देगा। तो ये तरीके होते हैं बहुत सारी चीज़ें सीखने के इस विद्या के द्वारा। फिर बाबा कहते हैं और समझने की बात है, यह मेरापन आया माना अलॉय मिक्स हुआ। गोल्ड जो होता है 24 कैरेट का, उसको आप फटाफट आप बेंड कर सकते हैं, लेकिन गोल्ड के अंदर आप निकल केडमियम सारी चीज़ें डालना शुरू कर दें तो वही 24 कैरेट का गोल्ड और सख्त हो जाता है। मतलब कि हमारे अंदर भी अगर वो सख्तपन आ जाएगा, हमारे अंदर अहंकार घुस गया वो निकल, हमारे अंदर ईर्ष्या घुस गई वो केडमियम जो कि गोल्ड में मिक्स किया गया, तो वैसे अगर 24 कैरेट में अगर और चीज़ें ऐड करी जाएंगी तो उसका 24 कैरेट गिर जाता है। और अगर हमारे अंदर अहंकार या ईर्ष्या मिक्स हो गई तो हम भी वैल्यूलेस हो जाते हैं, हमारी भी क्वालिटी कम हो जाती है। इसलिए पापा कहते हैं, इसलिए समय और वायुमंडल को परख कर स्वयं को परिवर्तन कर लो तो सर्व के स्नेही नंबर वन विजय बन जाएंगे। उसके लिए क्या होगा? हमारे अंदर जो अलॉयज हैं अहंकार का, ईर्ष्या का, जो भी घृणा का, नफरत का है ना, वो सब कुछ हमें निकालना पड़ेगा और प्योर गोल्ड बनना पड़ेगा। वो प्योर गोल्ड बनते कैसे हैं, उसकी विद्या हमें ब्रह्म कुमारी इसमें सिखाई जाती है, जो कि एक प्रोसेस है, हर दिन अपने आप को परखना और अपने आप को चेंज करना। ये सीखने के लिए आप ब्रह्म कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय जा करके इस विद्या को ले सकते हैं निःशुल्क। इसी के साथ आज का ये ईश्वर वरदान। ओम शांति।